मैं मोनू सिंह और आज हम इस गाड़ी का एक्चुलेटर सेंसर क्लीन करने वाले हैं। जो इसमें प्रॉब्लम ही आ रही है, जो गाड़ी है इसका कभी कभी क्या होता है, आरपीएम एकदम सडनली हाई हो जाता है, सो वो लो नहीं होता। सो आज हम इसका एक्चुलेटर सेंसर क्लीन करने वाले हैं। सो एक बार चेक करवा देते गाड़ी को। जो ये गाड़ी है सेंट्रो जिंक है, ये स्टार्ट ही नहीं होगी बिना रेस लिए। जो एक्चुलेटर सेंसर है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, चौक होगा बिल्कुल ही। ये रेस छोड़ो। सो सो गाड़ी के बोनेट ओपन कर लिया है। सो ये हमारा इस जगह इंजन लगा हुआ है। सो ये इसका एक्चुलेटर सेंसर है। सो आज हम इसे क्लीन करने वाले हैं, क्योंकि जो गाड़ी है इसका आरपीएम कभी कभी क्या होता है, एकदम हाई हो जाता है, सो वो लो नहीं होता। सो आज हम इसे एक्चुलेटर सेंसर को क्लीन करने वाले हैं। सो एक गाड़ी है हुंडई सेंट्रो जिंक, उसमें हमें करना क्या क्या पड़ेगा, इसका एयर फिल्टर हटेगा, तो उसके बाद उस वाल्व को हम ओपन करेंगे। सो ओपन करने के बाद उसे हम क्लीन करेंगे। सो क्लीन करने के बाद हम उसे रीफिटिंग करेंगे। सो करते हैं एयर फिल्टर को रिमूव। जो इसका एयर फिल्टर है वो प्रॉपरली रिमूव कर लिया है। सो अब बारी है इसके सेंसर को रिमूव करने की। तो उससे पहले इसका जो कैप है कफलर, सो इजीली रिमूव कर देते हैं। सो अब जो बारी है इसके ये दोनों बोल्ट खोलने की। खोलो, हाथ से खुल जाएगा। कितनी आवाज करती है इनकी मशीनें, घों 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 घों, जान खा जाती है। ठीक है, इसे फोटो बॉडी क्लीनर से क्लीन कर देते हैं। का एक्चुलेटर सेंसर है ये, हमने इसका क्लीन कर दिया है। फिलहाल अभी इसमें केमिकल डाल रखा है ताकि ये पूरा एकदम क्लीन हो जाए। सो अब ये पूरा वर्क कर रहा है। सो ये देख सकते हो अभी पेचकस की साउंड सुनना। सो इसमें कर की साउंड आएगी। जो ये सेंसर है ये इस टाइम प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये जो सेंसर है ये एकदम क्लीन हो चुका है। ये आवाज़ सुन सकते हो आप, ये पूरा इसमें केमिकल डाल रखा है हमने ताकि ये जो ईज़िली पूरा क्लीन हो जाए। सो अब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो पहले इसमें हो क्या रहा था, गाड़ी बिना रेस के स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। सो कभी कभी क्या होता, सडनली इसका जो आरपीएम है वो एकदम हाई हो जा रहा था, सो वो लो भी नहीं हो रहा था।
तो हमने इसका जो सेंसर एक्चुएटर सेंसर ये क्लीन कर दिया है। सो अब ये प्रॉपर हो चुका है। सो अब जो बारी है इस सेंसर को फिटिंग करने की है। ये कर जो साउंड सुन सकते हैं आप, सोप करते हैं इसे फिटिंग। तो उसके बाद करते हैं इसके एयर फिल्टर को कंप्लीट फिटिंग। तो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो फिटिंग है ये प्रॉपर हमने रीफिटिंग कर दी है। सो उसका जो सेंसर था वो क्लीन करके फिट कर दिया है। सो अब बारी है इसे स्टार्ट करने की। सो करते हैं इसे स्टार्ट। एक गाड़ी है सेंट्रो जिंक। तो जो अब गाड़ी है ये प्रॉपर हो चुकी है। जो पहले हो क्या रहा था, गाड़ी को स्टार्ट करोगे सो ये स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि जो इसका एक्चुएटर सेंसर है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। तो कभी भी आइडल पे उस सेंसर का काम ही होता है कि आपकी जो आरपीएम है वो बिना एक्सेलेटर प्रेस किए इंजन आइडल पे स्टार्ट रहे। तो गाड़ी है ये हो चुकी है। सो अब बिना एक्सेलेटर पैडल प्रेस किए स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले हो रहा था कि जो इसे एक्सेलेटर पैडल को प्रेस करना पड़ रहा था स्टार्ट करने के लिए, तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो अब जो गाड़ी है ये इजीली स्टार्ट हो जा रही है, देख सकते हो। इसका जो सेंसर था वो बिल्कुल ही चौक था, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। सो हमने इसे क्लीन करके उसमें केमिकल डाल के एकदम फ्री कर दिया है। सो अब वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। जो सेंसर था पहले एकदम चौक था, वो हो क्या रहा था, कभी कभी गाड़ी जो आरपीएम है वो एकदम हाई हो जाता था, वो वहीं का वहीं फिक्स हो जाता था, उसके बाद वो कम ही नहीं होता था। वो कभी कम हो जाता था तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी जल्दी। तो ये है, ये थी हमारी सेंट्रोजिंक। सो इसमें जो हमने क्लीन किया है वो इसका एक्चुएटर सेंसर है। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।